CCN News। मिस्टर बेटा, आप बताइए कि जैसा कि आपने किड्स वॉइस ऑफ इंडिया में आपने टॉप किया था, तो ये सिंगिंग सिंगर सुपरस्टार क्या है? जैसे द वॉइस इंडिया किड्स जो मैंने 2016 में विन किया था विद द सपोर्ट ऑफ फुल सुल्तानपुर, पूरे सुल्तानपुर का आशीर्वाद रहा, वोट रहा, पूरे इंडिया का वोट रहा, आशीर्वाद रहा, उसी तरह मैं एक और नए शो में पार्टिसिपेट कर रही हूँ जिसका नाम है सुपरस्टार सिंगर सिंगिंग का कल। दिस इज़ अ सिंगिंग रियलिटी शो ऑफ सोनी एंटरटेनमेंट चैनल। ये शो बहुत ही बहुत ही अच्छा शो, एक हम लोगों को एक अच्छी राह देगा। इस शो में जितने भी कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं बाकी सब अच्छे चैनल्स के, जो कि टॉप 5, टॉप 6 या फिर आगे तक गए हैं और कहीं ना कहीं अपने अपने स्टेट के विनर्स रह चुके हैं, वो सब वो सारे बच्चे इस शो में आने वाले हैं और वो यहाँ पे आके अपने जो टैलेंट है उनका सिंगिंग का, उसको दर्शाने वाले हैं, उसको दिखाने वाले हैं। तो ये शो है एक ऐसा शो है जो कि सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पहली बार अपने शो पे ला रहा है, फर्स्ट एडिशन है सुपरस्टार सिंगर का। तो इसमें मैंने अभी पार्टिसिपेट किया है और टॉप 16 में सिलेक्शन भी मेरा हो चुका है। तो बस अभी वर्किंग ऑन द जर्नी, अभी और भी हार्ड वर्क करना है और शो में आगे बढ़ना है। ऑफकोर्स सिलेक्शन के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया से जब 125 बच्चे आते हैं और उन 125 बच्चों से डायरेक्टली 16 बच्चों में आ जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि सब जो भी बच्चे मुंबई तक पहुंचते हैं वो सब अपने अपने अच्छे टैलेंट को लेके आते हैं, उनकी कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जो उनको वहाँ तक लाती हैं। और नो डाउट हमने भी बहुत मेहनत की थी और शो को जीतने के बाद मुझे लगता है शायद पापा जी और मम्मी जी ने और मुझे मेहनत करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का ये होता है कि शो विन करने के बाद फिर उनका डाउन होने लगता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे वो एक ये होता है ना कि एकदम ऊपर चढ़ जाना वैसी वाली चीज़ कभी भी नहीं, हमेशा डाउन टू अर्थ रखने की जो उनकी सीख थी उन्होंने हमेशा मुझे दी और उसके बाद और प्रैक्टिस कराई और सीख दी ताकि मैं नए शो में पार्टिसिपेट करूँ, अपनी और पहचान बनाऊँ और जिन घरों तक मैं अगर थोड़े बहुत घर जहाँ तक नहीं भी पहुँच पाई थी वहाँ तक भी पहुँच जाऊँ। तो जी ऑफकोर्स ये एकदम नया शो है लेकिन सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर है जो कि बहुत ही नामचीन चैनल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो अब बस वी आर ट्राइंग वेरी बेस्ट कि अब इस शो में भी कुछ आगे अच्छा करें हम और मेहनत करें। उत्तर प्रदेश से आप अकेली हैं, आप उत्तर प्रदेश में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं पहले तो सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड हैं इस बात को लेके कि मैं अकेली ऐसी कंटेस्टेंट हूँ जो यूपी से खड़ी हूँ टॉप 16 में और इस शो में आई हूँ। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगी कि पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से मेरा ये अनुरोध है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस तरह आपने मुझे वॉइस किड्स में इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, नो डाउट उस शो की मैं विनर बनी जो आपका आशीर्वाद था आपके वोट के कारण, और मैं चाहूँगी कि हम यूपी वाले हैं तो आप प्लीज़ मुझे और सपोर्ट करें और आशीर्वाद दें, और जो भी मुझे फिर से टीवी पे देखना चाहते थे उन सबके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप मुझे फिर से देख पाएंगे। तो प्लीज़ डू वॉच आर शो, न्यू शो, ये भी फर्स्ट एडिशन है, इसको इन्जॉय करिए और अपना आशीर्वाद ज़रूर मुझे दीजिए। क्या ड्रीम्स हैं आपकी भविष्य की? ड्रीम्स तो बहुत कुछ होते हैं इंसान के, नहीं ऑफकोर्स सिंगिंग है, ड्रीम तो सिंगिंग ही है, क्योंकि जिस तरह से मेरे मम्मी पापा ने 25 इयर्स तक म्यूज़िक की मेहनत की है, उसमें जो उन्होंने परिश्रम किया है और अब तभी तक नहीं अभी भी वो कर ही रहे हैं, तो जो भी उन्होंने मेहनत की है मैं चाहती हूँ उनका जो ड्रीम है, जो वो मेरी मुझ में देखते हैं अपना वो ड्रीम, मैं उस ड्रीम को पूरा करूँ और उनको प्राउड फील कराऊँ और साथ ही मैं अपने सुल्तानपुर, अपने उत्तर प्रदेश सबका नाम रोशन करूँ और पूरे वर्ल्ड में सबको ये जनवाऊँ कि एक छोटे से शहर की निष्ठा जो अपने मम्मी पापा के सपने को आगे लेके बढ़ रही है वो भी कुछ कर रही है और लोग सब जाने हमें हमारे शहर को। बहुत अच्छा लग रहा है और पहले तो मेरी इच्छा नहीं थी कि जैसे कि अभी शो जीत के आई थी, अभी 3 साल नहीं पूरा हुआ तो मन में कहीं कहीं दिमाग बना रहता है चलो भी जो आदमी एक बार जैसे कोई बार सरकार बन जाती है तो एक बार कोई MLA MP बन जाता है 5 साल बना रहता है, पहले मेरे मन में भी यही था कि चलो अभी जीती है 3 साल अभी हुआ है तो अभी कुछ दिन रहें चाहिए, लेकिन चैनल के कुछ लोगों ने कहा कि शर्मा जी कुछ आपकी तरह लोगों बहुत लोगों ने हमसे
जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सचिन एक बार का खेल में जीत गए हैं, एक बार वर्ल्ड कप जीत लिया है, कपिल ने एक बार वर्ल्ड कप जीत लिया है, दूसरी बार वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो टी वी में हमेशा बने रहने के लिए, बराबर जनता के संपर्क रहने के लिए, बार बार चेहरा देखे रहने के लिए उसमें आना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जहाँ तक मानना है आप लेके आइए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने उनकी बातों को स्वीकारा, हमने कहा ठीक है, फिर बाद हम लोग हाँ मेरा पूरा फुल आशीर्वाद है, फुल सपोर्ट है, और सब ज्यादा सपोर्ट हमारे सुल्तानपुर वासियों का, सुल्तानपुर के हमारे मीडिया का है, हमारे सारे लोगों का है। वो लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ तक ये खबर पहुँच जाती है। तो बहुत मुझे आशा है कि निष्ठा कुछ ना कुछ फिर अच्छा करेगी। आप कैसे महसूस कर रहे हैं आपकी बेटी को दोबारा चरण हो गया? दोबारा सिलेक्शन के बाद आपको क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली तभी एक शो जीत चुकी है, लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आगे करती जाइए। उन्होंने अभी एक स्टेप जीता था, मतलब कि एक स्टेप आगे बढ़ी थी वो एक शो जीतकर, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप इनको आगे बढ़ना है। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से एक नए चैनल पे, एक बड़े चैनल पे, एक नए शो में निष्ठा आ रही है, और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार फिर से सुल्तानपुर का नाम रोशन करेगी, कुछ अच्छा करेगी, कुछ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। आप निष्ठा के भाई हैं जी, आप क्या फील करते हैं? मैं निष्ठा का भाई हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मेरी छोटी बहन इतना अच्छा काम कर रही है। उसने सही कहा है कि, और मुझे भी फील होता है कि मम्मी पापा की बहुत मेहनत है म्यूज़िक के फील्ड में, और 25 साल की मेहनत है, वो संघर्ष कर रहे हैं। उनका भी एक सपना था कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाएँ, मुंबई में जाएँ और वहाँ पर प्लेबैक सिंगिंग करें, लोगों को जान पहचान में आएँ, लोग उनको पहचाने कि एज अ प्लेबैक सिंगर, पर वो नहीं हो पाया परिस्थिति की कुछ कारण के वश। तो अब उस चीज़ को निष्ठा आगे लेके जा रही है, ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात है। उन्होंने मेरे लिए सपना देखा था मम्मी पापा ने, पर मैं भी कुछ कारणवश नहीं कर पाया, उतना कंसंट्रेटेड नहीं रहा। पर यह कि निष्ठा जो है इस चीज़ को इतनी छोटी उम्र में कंसंट्रेट हो करके म्यूज़िक को इतना आगे लेके जा रही है, और एट द सेम टाइम पढ़ाई को भी उतना बैलेंस करके चल रही है, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, और मेरा फुल सपोर्ट है और आशीर्वाद है निष्ठा के लिए कि वो आगे ऐसे जाती रहे। वो जो उनका सपना है, जो उनके ड्रीम्स हैं, जो मुझे बताती हैं कि बड़ा भाई मुझे ये करना है, बड़ा भाई मुझे अपने मम्मी पापा के लिए ये करना है, अपने शहर वालों के लिए ये करना है, सुल्तानपुर के लिए, तो वो जल्द से जल्द पूरा हो और सब अच्छा ही हो, और आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे और निष्ठा इस शो में भी बहुत आगे तक जाए। तो सुनने में आता है कि आप भी सिंगर हैं, तो आपकी डिज़ायर क्या है? हाँ, मैं भी सिंगर हूँ, मैं भी मम्मी पापा से ही सीख रहा हूँ बचपन से इंडियन क्लासिकल वोकल, और तबला भी मैं सीख रहा हूँ। तो मेरे डिज़ायर ये है कि मैं भी इंडस्ट्री में जाऊँ, और म्यूज़िक डायरेक्शन मेरा एक एम है कि मैं म्यूज़िक डायरेक्ट करूँ, म्यूज़िक कंपोजिशन करूँ, जैसे प्रीतम दा हो गए, AR रहमान हो गए, इतना बड़ा बड़ा नाम किया उन्होंने, तो मैं भी चाहता हूँ कुछ अपनी ओन कंपोजिशन बनाऊँ और आगे तक जाऊँ, जो कि एक शो के ज़रिए हो सकता है, इसलिए मैं तैयारी भी कर रहा हूँ उसकी, और जल्दी मैं भी इस शो में आने की, किसी भी ऐसे इंटरनेशनल शो में आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। सुल्तानपुर की ताज कही जाने वाली, अपनी गायकी से दिलों को जीतने वाली निष्ठा शर्मा का चयन एक बार फिर सोनी के रियलिटी शो में हो गया है, जिस पर उन्होंने बताया कि उनके माता पिता का आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन वो चाहती हैं कि जनता का साथ एक बार उनको फिर मिले, सुल्तानपुर की जनता का साथ उनके बार फिर मिले, प्रदेश की जनता का साथ उनके बार फिर मिले। UP से वो अकेली कंटेंट हैं, और उन्होंने यही बताया कि जिस तरह से उन्होंने वॉइस किड्स में प्रथम स्थान हासिल किया था, उसी तरह वो इस रियलिटी शो में भी प्रथम स्थान हासिल करने का प्रयास करेंगी, जिससे कि जिले की आन बान और शान बरकरार रहे। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में, मैं कैमरा पर्सन अनुभव के साथ संतोष पांडे, CCN न्यूज़ सुल्तानपुर। CCN न्यूज़।